एसटीडीबी कॉलम नंबर फॉरवर्ड स्लैश कॉरपोरेशन डॉट जी ओ वी डॉट इन के माध्यम से इस पोर्टल पर पहुंचा जा सकता है। इन सारण्य परिवार के जो जितने भी जमाकर्ताएँ हैं जिन्होंने सारण्य परिवार में कंपनी में के इस स्कीम्स में जो है पैसे को इन्वेस्टमेंट किया था उनके इस रिफंड के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं। हम आपको CRCS पोर्टल के बारे में बता रहे हैं जो सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ अगर मोकरी फंड MOCREFUND mokrifund.crcs.gov.in जैसे आप गूगल में या URL में आप डाल के एंटर करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। ये वेबसाइट उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने सारण्य परिवार में पैसे को इन्वेस्टमेंट किया था और वो अपने पैसे को रिफंड के लिए अप्लाई करना चाहती है, उनके लिए वेबसाइट है जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है और भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है। आपको बताना चाहेंगे जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके पास अपने दावों और जमा के लिए साक्ष्य रूप से दस्तावेज सहित आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता है। आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर सारा समूह को सहकारी समिति द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। SMS पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर आधार ऑनलाइन दाव द्वारा दावों पर प्रस्तुत करने में 45 दिनों के भीतर निर्णय सूचित कर दिया जाएगा। जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी 4 समितियों से संबंधित सभी दावों को एक ही दावा आवेदन पत्र में प्रस्तुत करें। केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज एवं कराए हुए दावों पर विचार किया जाएगा। दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी भी तकनीकी समस्या हेतु आप दिए गए समिति के टोल फ्री नंबर 1800103689 या 1800103689 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सारण्य परिवार के में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का जो है पैसा इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देश में सहकारिता सशक्त करने और सहकारी समितियों के सदस्यों के हित की रक्षा के लिए सहकारिता मंत्रालय ने अपनी स्थापना के पश्चात अनेक पहल की है। सारण्य परिवार में जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट है जो पहली किस्त इनको दी जा रही है वो 10,000 रुपये तक की ही है। यानी कि जो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो मिलेगी वो उसका जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो 10,000 रुपये तक का ही है और उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद भारत सरकार की तरफ से घोषणा हो सकती है भविष्य में। तो ये पहली स्कीम के बारे में अगर आपको बता दूं तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पैसा मिला भी है और ये और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जो है इस CRCS पोर्टल में आवेदन कर भी चुके हैं। मिलते हैं नए वीडियो साथ नई जानकारी से। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।